देखिए ये वही डमरू है जिस डमरू की आवाज सुनकर बच्चे दौड़ के रोड पे चले आते थे। क्यों? क्योंकि उनको आइसक्रीम खाना होता था और उन्हें ये पता चल जाता था कि ये डमरू की आवाज अगर बजी है, अगर इस डमरू की आवाज आई है तो ये आइसक्रीम वाले ही आए होंगे। और इसका आवाज सुनते ही बच्चे रोड पे दौड़ के चले आते थे और माँ बाप ना चाहते हुए भी उस बच्चे को आइसक्रीम खरीद कर देते थे। लेकिन अब उस बच्चे की ये खुशियां छिन गई, अब ये डमरू की आवाज उन्हें सुनाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि अब मजबूर हो गए ये, अब बेचने के लिए भी ऐसे ऐसे लोग नहीं आते क्योंकि इनका बिकता ही नहीं है। अब जो आइसक्रीम भी होता है आप सब जान रहे हैं कि 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में जो आइसक्रीम डब्बा वाला आता है, पता नहीं कैसे बनता है, कौन केमिकल से बनता है ये पता नहीं है, लेकिन खाते सबको वही है। इसके लिए इसकी चलती खत्म हो गई, लेकिन ये आनंद अब उस बच्चे से छीन ली गई। ये डमरू की आवाज और ये साइकिल पे लेके इस बक्से में जो पहले जाते थे, अब पहले केवल डमरू पे काम चल जाता था लेकिन अब इनको ये बाजा वगैरह भी लगाना पड़ता है। और इसका आइसक्रीम भी थोड़ा यूनिक होता था। सॉरी उठा लीजिएगा, देखिए इसका आइसक्रीम कैसा होता है, थोड़ा पास आइएगा। इसका आइसक्रीम भी यूनिक हुआ करता था। ये देखिए ये है आइसक्रीम, रंग बिरंगे होते हैं, लाल, उजला, पीला, हर कलर का होता है। ये देखिए ये आइसक्रीम पहले हुआ करते थे और इसी को खा के बच्चे आनंदित महसूस करते थे, खुश होते थे। लेकिन इसको रख लीजिए, लेकिन अब बच्चों से वो आनंद छीन ली गई। और शायद मुझे लगता है कि इसमें नुकसान करने वाला ना कोई पाउडर होगा ना वैसा कुछ नुकसान करने वाला केमिकल होगा। अब थोड़ा इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। क्या नाम क्या हुआ आपका? राम सेवक। घर कहाँ है आपका? साठा। अच्छा, कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं? करीब करीब 10 साल से। 10 साल से कर रहे हैं जी। तो पहले जो आपका बिक्री होता था उसके अपेक्षा अब कैसा, मतलब बिक्री हो रहा है? बिल्कुल नॉर्मल हो गया। पहले तो रस्ते रस्ते में खत्म हो जाता था, अब तो मान लीजिए किसी गांव मोहल्ला घूमते हैं तब पर भी उतना नहीं चलता है। तब पर भी नहीं चलता है? नहीं चलता। अच्छा, इसको खुद से बनाते हैं? खुद से बनाते हैं। खुद से बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं इसमें? देते हैं दूध, देते हैं और हल्का पानी मारते हैं और सैक्रीम देते हैं और एदाम बदाम देकर उसको तैयारी करते हैं। यानी कि इसमें नुकसान करने वाला कोई आउडर पाउडर केमिकल नहीं डाला? कोई आउडर पाउडर नहीं देते हैं। ऐसे मानते हैं, कहते हैं कि से या लीची वाला है, मैंगो है, आम का सीजन फर नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है कि से आम वाला है, लीची वाला है, उसमें केमिकल डाला जाता है। केमिकल डाला जाता है लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं डाला। एसेंस उसका खुशबू, एसेंस लीची का खुशबू आता है और मैंगो का खुशबू आता है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, पहले इसका बिक्री भी ज्यादा था? हाँ, बेल वाला बनाते हैं, बेल वाला बनाते हैं, दही वाला बनाते हैं, दूध वाला बनाते हैं जी। और केला वाला भी बनाते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल बिक्री डाउन हो गया तो क्या बनाएंगे? साधारण बर्फ बनाकर पानी के चलते हैं और कलर डाल के लाल पीला जो होता है सो बच्चे सबको लाल पीला देते हैं। तो पहले बिक्री ज्यादा था तो उस समय मान लीजिए कि कमाई होता होगा, महंगाई भी अभी से कम था, अब महंगाई में बढ़ोतरी हो गई है, बिक्री होती नहीं है तो फिर कैसे आप ये काम? जो हम 25 पैसा बर्फ बेच को कमा लिए हैं सो अभी 5 रुपया हम नहीं कमा पाते हैं, बेच के उतना आमदनी नहीं होता, नहीं होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? अब दूसरा कुछ करना चाहिए, इसमें तो नुकसान है, क्या करें सर? सब दिन से कर आए हैं यही तो फिर। हाँ, सब दिन से कर आए हैं और हम लोग मतलब देहात में मोहल्ला में घुमाए हैं, सबसे बोल बतियान होता है, इसी चलते हम बिल्कुल बिल्कुल यही कर रहे हैं। अच्छा, ये डमरू बजाने से क्या होता है? डमरू बजाने से बच्चे सब के कान में आवाज जाते हैं तो दौड़ पहुंचते हैं। थोड़ा बजाइए तो देखिए, टेक्निक देखिए इनका बजाने का। और ये सही है, निश्चित रूप से जब ये डमरू का आवाज बच्चे सुनते थे तो वो दौड़ के रोड पे आते थे, दौड़ के इनके पास आते थे और माँ पापा के पास जाके हट करते थे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। और खास चीज ये है कि यहाँ पे इस आइसक्रीम को खाने के लिए केवल पैसे लेके आएंगे तभी आइसक्रीम मिलेगा, ऐसी बात भी नहीं होती थी। आलू के सीजन में आलू लेके दौड़ के चले आते थे, अब बाली जो मक्का का होता है वो लेके चले आते थे, मकई लेके चले आते थे और उस सब का आइसक्रीम आप देते। जी 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 जी, है कि नहीं? जी, सब कुछ लेके आते थे और फिर भी हाँ सब चीज देते। अभी भी वो सब लेके देते हैं क्या? अभी देते हैं, लेकिन ये खाते कौन है, सब पैसे लेके जाते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया में वो आइसक्रीम खाते हैं। देखिए सुविधाएं बढ़ रही है, समय बदलता जा रहा है, लेकिन लोग परेशानियों को खरीदते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उसमें क्या पड़ता है, कौन सा केमिकल पड़ता है, कौन पाउडर पड़ता है, और लोग देखते भी नहीं है, बस वो अच्छा लगता है खाने में, लोग खाते हैं। लेकिन बच्चे की जो एक खुशी थी, जो घर पे ऐसे डमरू की आवाज़ सुनकर दौड़ के आते थे, वो चीज़ें अब खत्म हो रही है। इस बच्चे को दीजिए, इस सबको दीजिए, तो आइसक्रीम आओ बुआ आओ दीजिए, इस सबको आइसक्रीम ले लो। आप हुआ
दोस्तों मैं बस आज इनको रोका, देखा, आश्चर्य हुआ, बहुत दिनों के बाद मुझे देखने को ये मिले। हम लोग भी जब इसका आवाज़ सुनते थे तो हम लोग भी दौड़ के आते थे, लेकिन ये देख के हमको लगा कि भाई ये पुराना याद ताज़ा कर दिए, इसलिए मैंने इनको रोका और मुझे भी इच्छा हुई कि थोड़ा सा पूर्व समय का जो आनंद था उसको लिया जाए। बाकी ऐसे चीज को खोते देखकर आप क्या महसूस करते हैं, आपको कैसा लगता है, क्या आप भी कभी ऐसे डमरू की आवाज़ को सुनकर आप भी आइसक्रीम वाले के पास गए थे, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।